kind of way, yeah. हाँ 57 जो एक गुजराती की बात है गुजरात छोटा है या बड़ा है ये भी बता दिया कि बड़े से बड़े चित्र कौन से हैं तो सोए पड़े हैं लास्ट में जगता है गुजरात या पहले बेसिक में सात जोन की सेवा हो गई और लास्ट में गुजरात निकला तो हद का ही गुजरात निकला होगा या बेहद का भी निकला होगा वेद का भी गुजरात निकला और अभी गुजरात ही निकलना है अभी निकला नहीं गुजरात निकला गुजराती बात अब देखो वाणी में तो बोला है एक तो आज की जो रुद्रमाला है और थोड़ी बोल दीजिए एक तो आज की जो रुद्रमाला है बाबा हाँ जी बाबा ने बोला है नौ ग्रुप के बारह बारह ग्रुप बनेंगे बारह बारह के नौ ग्रुप बनेंगे बारह बारह के नौ ग्रुप बनेंगे हाँ जी तो 108 होता है हाँ जी बाबा इसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी से लेकर आर्य समाज तक का जो धर्म है हाँ जी उन धर्म के बारह बारह ग्रुप बनते हैं हाँ जी तो इसमें सूर्यवंशी का जो हेड है वो राम वाली आत्मा है चंद्रवंशी की हेड जगदम्बा ब्रह्मा की आत्मा अभी कहीं पार्ट बजा रही होगी कि नहीं हाँ तो जगदम्बा है हाँ जी फिर बाबा सिख धर्म की बीच कौन है वो तो लास्ट में है आज समाजियों से कुछ पहले जो सिख धर्म जो है आधार जिसको बाबा ने बोला है कि सिख धर्म का लिया आदि सनातन देवी पंजाबियों के लिए बोला है सिखों के लिए नहीं बोला है ये बोला है पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई माना जिस समय एडवांस में पहली कन्या सरेंडर हुई तो सबसे आगे गई पंजाबी खून की बात बताई सिख धर्म की बात नहीं बताई गलत फहमी हो जाती है राज करेगा खालसा किसके लिए राज करेगा खालसा माना जो खालिस होगा पवित्र होगा लेकिन ये सिख धर्म पवित्र होता है या सूर्यवंश या चंद्रवंश कौन सा पवित्र होता है सूर्यवंश सूर्य तो खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है ठंडक नहीं देता हाँ जी एक मिनट हाँ जो राज करेगा खालसा की बात जो है ये सिख धर्म में ही बोला गया सिख धर्म वालों ने बोला है लेकिन ये इशारा दिया कि जो खालिस होगा जो पवित्र होगा वो राज्य करेगा लेकिन ये खास सिख धर्म में क्यों बोला गया बाबा राज्य तब करेगा जब कंट्रोल में होगा एक मत पर होगा नहीं तो विश्व का राज्य नहीं करेगा डूबी जा भी होगी बाबा ने बोला आगे डूबी जा इसलिए होगी कि एक सच्चा साबित होना है और बाकी सब झूठे साबित होने लेकिन अगर एक के मत पर चलकर राज करेगा खालसा है तो डूबी जा होने की बात कैसे आती है एक जब प्रत्यक्ष होता है पूरा 100% तो फिर राज्य करने की बात खलास हो जाती है सचिव में कोई राज्य होगा क्या कोई राज्य नहीं होगा
डूबी जब होती है बाबा। हाँ जी, तो जरूर जहाँ राजाए की आकांक्षा होती है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें, इसका मतलब कुछ न कुछ देवान परसेंटेज में बकाया है। तो फिर वो एक की मत से चलने की बात नहीं आती ना बाबा। एक की मत भी एक ही पूरा जानेगा, पूरा चलेगा कि और भी चलेंगे है? एक की मत पर सब चल पड़ेंगे 100%, या एक की मत पर एक ही चल पाएगा है? एक ही चल पाएगा तो एक ही राज्य करेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, पूरा 12 का ग्रुप होगा तब अगला ग्रुप आएगा। मम्मा को नाच, जो मम्मा का ग्रुप है वो माला का ग्रुप है। माला बनी ही नहीं तो फर्स्ट और लास्ट की बात कहां से आ गई? जब तक दो ग्रुप आपस में मिलेंगे नहीं तब तक प्रवृत्ति मार्ग बनेगा नहीं। तो किसका प्रवृत्ति मार्ग बन सकता है? सूर्यवंश का और चंद्रवंश का, दूसरे कोई का तो बन ही नहीं सकता पहले, क्योंकि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी उनमें जन्म जन्मांतर के प्रवृत्ति के संस्कार है, और दूसरे धर्म तो साहब कौन से मार्ग के हैं? निवृत्ति मार्ग के। इसलिए वो पहले नहीं मिलते, पहले पहले सूर्यवंश और चंद्रवंश मिलते हैं। मन का अगर एक सिंगल की बात करेंगे तो सूर्यवंशियों में पहले 12 गिने जाएंगे नहीं, उसके बाद जो सहयोगी ग्रुप है उसमें नंबर 12 बनेंगे। अपने भारतीय परंपरा में जब शादी होती है तो जो भी लड़के के पक्ष वाले होते हैं उनको नंबर 12 पूजा जाता है, या कन्याओं के पक्ष वालों को पहले पूजा जाता है, और छोटे से लेके बड़े तक पूजा जाता है, पूजा जाता है ना। तो ये परंपराएं कहाँ से पड़ी? संगम से परंपरा पड़ी। बाबा, शंकराचार्य ने कहा कि नारी नर का द्वार है, तो और कहा कि अहम शिवम बोला, तो मुरली में कहा कि कैसा विपरीत बुद्धि बन पड़ा है। शंकराचार्य ने तो भी कहा संगम, जो शंकराचार्य संन्यास धर्म का हेड है वो ये परंपरा शुरू करता है क्या, कि सिर्फ मेरे द्वारा कार्य कराता है। उसमें ये अहंकार आता है पहले पहले, और हम ये अहंकार पहले नहीं आता। तो अभी तो संन्यास धर्म की आत्माएं निकली भी नहीं है एडवांस पार्टी में, जब निकलेंगी तो वो बात भी प्रत्यक्ष हो जाएगी। बीज रूप आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होगी, और आधार रूप आत्मा वो भी प्रत्यक्ष होगी। गणपति को विसर्जन करते हैं, जब देवियों का विसर्जन होगा तो देवताओं का विसर्जन नहीं होगा क्या? उनकी डूबी जा नहीं होगी? देवताओं की भी डूबी जा होगी, और देवियों की भी डूबी जा तब ही होगी जब एक प्रत्यक्ष होगा। जो सच्चा एक है जब वो प्रत्यक्ष होता है तो सबकी डूबी जा एक सच्चा और बाकी सब झूठे।
बाबा मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी को बोला है तो? काजी कौन हुआ जो जो बीच में टांग अड़ाते हैं? कि हम तुम्हारा फैसला करेंगे। अंत तक तो यही फैसला चलेगा हैं? काजी का जो फैसला अंत तक होगा नहीं पूरा। जो काजी बनते हैं वो दुनिया में काजी बनते हैं, दो के बीच में ब्राह्मण की दुनिया में काजी बनने की बात ही नहीं। अगर बनेंगे तो नीचा देखेंगे। माँ बाप के बीच में, माँ बाप की ही बात कर रहे हैं ना, माँ बाप के बीच में अगर बच्चे काजी बनकर के बैठना चाहे तो ये उचित है या अनुचित है? ब्रह्मा को काजी बोल सकते हैं। वो तो है ही नहीं। जब कुर्सी खाली पड़ी है ही नहीं तो बोल कैसे सकते हैं? वो तो उसी में प्रवेश होके पैर बजाता है। और दादा 9,16,108 जो है सतयुग की पहले जो है उसमें आत्माएं रहती है। सतयुग संपन्न सतयुग की संख्या बताया 9,16,108, इसमें से 9,00,000 अलग है, 16,000 अलग है, 108 अलग है। अलग क्यों ना, माना अलग करेंगे तो 9,00,000 कैटेगरी करेंगे तो बाबा कैटेगरी के हिसाब से हाँ। इसमें से बाबा ने बोला कुछ आत्माएं फिर वापस परम धाम चली जाएगी 16,000 में से। तो दूसरे दूसरे धर्म के हैं जिन पर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ा रहा, ये दूसरे धर्म की जो जड़ें हैं वो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं वो ही बचेंगे। बाबा जो बाबा ने बोला है अतीन्द्रिय को पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। हाँ जी, ये गोप गोपियों से 16,000 बोला है। हाँ तो जो सन 36 तक तैयार होंगे तो वही यही 16,000 के लिए बोला है। और सन 36 से पहले ही जो अतीन्द्रिय सुख पाने वाले हैं या नंबरवार पढ़ाई पढ़ने वाले हैं वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये जो 16,000 बोला 9,16,108 16,000 में से ये जो 16,000 बोला, ये 16,000 में ही वो 16,000 के बारे में बोला? 16,000 वो 16,000 नहीं, माना 9,16,108 बोला है। इसमें से 16,000 जो है ये प्रिंस प्रिंस से बोला, तो इनको ही बोला है ना अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले। हाँ जी, तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले माना 64-65 जन्म से लेके भी शुरू हो जाती है। 64 मतलब जो त्रेता के अंत तक आएगी बोला ना 16,000 त्रेता के अंत तक आते रहेंगे, आते रहेंगे माने ऊपर से नीचे आवेंगे और प्रिंस प्रिंस के रूप में जन्म लेंगे। तो ये जो आत्मा ये भी अतीन्द्रिय सुख अनुभव करती है, वो यहाँ अनुभव करती है क्योंकि यहाँ अनुभव करती है माने संगम युग में। वो और धर्मों की भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। पूरे 84 जन्म पूरे 84 जन्म पूरे 84 जन्म जो है वो होते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं को वापस भी जाना पड़े। आधे पापात्मा आधे पुण्यात्मा बचते हैं। तो जो पापात्मा है लेफ्टिस्ट और राइटियस भी है, तो राइटियस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा या लेफ्टिस्ट को? उनके नंबरवार जन्म कम नहीं होंगे, वो शक्ति के आधार पर है। जिसने जितनी याद की पावर को खींचा है उतना वो ज्यादा लंबे समय तक सुख भोगते हैं। शक्ति से सुख मिलता है। और एक बार परम धाम जाने के बाद फिर वापस जाएंगे? 16,000 जो गोप गोपी गए हैं अभी विनाश के पश्चात तो सभी आत्मा परम धाम जाएगी ना? बोला ना आधे पाप आत्मा बचेंगे आधे पुण्य आत्मा बचेंगे। इसका मतलब ये है, नियम ये है कि एक बार जो धरती पे आ गए माना इस पृथ्वी पे आ गया तो वापस जा नहीं सकते परम धाम। 16,108 जो आ गए उनमें से वापस परम धाम कैसे जाएंगे? लाई नहीं है। नहीं नहीं नहीं
लास्ट विनाश कब होगा? विनाश के बाद जब तो विनाश के बाद की बात ही नहीं कर रहे, बात की बात नहीं कर रहे हैं। त्रेता तक आते रहेंगे, वो त्रेता तक आते रहे मैंने पद पाएंगे। गलत फहमी हो रही है, यही बात है। जो पद जो है वो त्रेता से अंत तक पद मिलते रहेंगे। एक मुरली वैसा जो सतयुग के आदि में या सतयुग के अंत तक वो सिर्फ 16 ही प्रिंसिपल बनते हैं। क्या वहाँ प्रिंसिपल की संख्या बहुत थोड़ी होती है, और त्रेता में राजाएं बहुत होंगे, महाराजाएं होंगे ही नहीं, इसलिए वहाँ संख्या बहुत बढ़ जाती है प्रिंसिपल की। मतलब वहाँ एक बार आने के बाद वापस जा नहीं सकते ना, जो ऊपर से नीचे उतर आए फिर वापस जाने का क्या सवाल? आ गए तो आ गए, जो आएंगे वो जो पहले से जन्म लेते हुए आ रहे हैं उनसे ज्यादा पावर वाले होंगे या कम पावर वाले होंगे? कलकत्ते की वार्तालाप में कहा है कि आने के बाद वापस परमधाम जाएंगे। वो यहाँ की बात है 2036 की, 2036 के अंदर जो आखिरी विनाश होगा उस आखिरी विनाश में कुछ आत्माओं को वापस भी जाना है। वही आत्माएं आखिर तक उतरती रहेंगी। सूर्यवंशी के ग्रुप के भी हो सकते ना, 16 ग्रेप जो पूरे 14 जन्म देने वाले नहीं है ना, उनमें तो दास दासी बनने वाले भी है जन्म जन्मांतर। कोई आखिरी जन्म में ही जाकर के कोट पतलून मिलेगी तो 84 जन्म लेने वाले होंगे। अति वो उनके पीछे पुरुषार्थ के आधार पर और धर्मों में भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ऐसे नहीं कि और धर्मों में श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है। जो भी यहाँ ब्राह्मण इकट्ठे हुए हैं सन 36 से लेकर के अब तक भी, तो उनमें और धर्मों की आत्माओं को कलेक्ट किया गया या नहीं किया गया? सब धर्मों के ग्रुप जो है वो श्रेष्ठ आत्माओं का ग्रुप तैयार होता है, सब ब्राह्मण वंश तैयार होता है नवपुरी का। उसमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरी वाले भी है और नीची पुरी वाले भी ब्राह्मण बनते हैं। बाबा ऊंचा पद कौन सा है, प्रजा में साहूकार आना या 16,000 में आना? पहले जन्म की जो प्रजा है वो भी श्रेष्ठ होती है, और लास्ट जन्म के जो प्रिंस प्रिंस बनेंगे उनको निष्कर्ष कहेंगे, क्योंकि उससे पहले जन्मों में उन्होंने दास दासी पना किया है। उन्होंने लास्ट में जाकर के भगवान को पहचाना और उसकी मत पर पूरा चले। इसलिए त्रेता के अंतिम जन्मों की जो खंडित गद्दियां दिखाई गई है सीढ़ी में, उनमें वो पद पाते हैं। नहीं, उनके 84 जन्म कैसे हो जाएंगे? 16,108 नहीं, वो 9,16,108 जो बताया है उसमें कुछ शेष आत्माएं जो है वो सचिव में पहले जन्म में रहेंगी। रवि जी, हाँ जी, पद पाने का मतलब ये मतलब नहीं आने वाली बात है या पद पर दारो मदार? पद के ऊपर जो दारो मदार 16,000 का बताया वो उनकी संख्या पूरी होगी त्रेता के अंत तक। लेकिन सतयुग में होंगे जी, सतयुग के शुरू में होंगे, सतयुग के शुरू में होंगे। 84 जन्म हो गए है, 84 जन्म पूरे हो गए होंगे, 9,00,000 के पूरे 84 जन्म होंगे, और उनमें से उनके भी पूरे 84 जन्म होंगे जो 16,000 में उच्च पद पाने वाले हैं। जो पहले जन्म में दास दासी बनने वाले हैं बाद में प्रिंसिपल बनने वाले हैं, तो 84 जन्म हो गया। 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता होते हैं, और जो पक्के देवता नहीं होते हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। यहाँ भी उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता, अंत तक विरोध करते रहेंगे, इसलिए तो दास दासी बनते हैं। सदगुरु निंदक सवर न पावे, तो दास दासी बने का उन्होंने पुरुषार्थ कर लिया ना।
84 जन्म लेने वाले होते हैं पक्के ब्राह्मण। तो बाबा जिसमें शिव सुप्रीम शिव प्रवेश करता है ब्रह्मा में, तो उसके द्वारा असुर पैदा हुए माना दिति। और जो ब्रह्मा ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले को थोड़ी दिति कहेंगे। ब्रह्मा आदि माता, ब्रह्मा आदि माता दादा लेकर वो नहीं जगदम्बा। हाँ जी हाँ जी, उसके द्वारा जिसके द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है असुर को जन्म हुआ वो असुर हुए। अच्छा, और जिसके द्वारा ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन पड़ता है वो माता, हाँ उसको कहते हैं आदिति। उसमें तो शिव की प्रवेशता हुई नहीं। हाँ, उसके द्वारा देवता जन्म। हाँ, जिसमें हुई उसके द्वारा असुर का जन्म। लेकिन उसने मत तो मानी है। भगवान पहले पहले मत किसकी मानी? परमात्मा आने का एक है दिति, और उसने अपने पति की मत नहीं मानी। और एक है आदिति, उसने अपने पति की मत मानी। उसने मतलब ये है कि परमात्मा आने का फायदा क्या हुआ गीता? परमात्मा जिसमें आता है उसकी मत पर कौन चलते हैं? जो दिति आदिति है वो सेकेंडरी है या पहला नंबर अलग है? तो अलग की मत पर दिति आदिति को चलना पड़े या दिति आदिति की मत पर अलग को चलना पड़ेगा? तो आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। माना दिति आदिति जो मुख्य है माताएं हैं, उन माताओं में जो ईश्वरीय मत पर चलती है वो आदिति, और जो अपनी मनमत चलाती है वो दिति। घर में भी ऐसे होता, परिवार में जो बाल बच्चे माँ बाप की मत को मानते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, और जो बच्चे माँ बाप की मत पर नहीं मानते वो असुरक्षित हो जाते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा जीवन में। हाँ, जो बाबा जी को रेटेंट में दिखाया, उसने दिखाया शंख चक्र, उसने दिखाया शंख चक्र। हाँ, जो शंख फूके और चारों तरफ आवाज फैल गए, शंख फूका ना महाभारत में दिखाते हैं कि महारथियों ने शंख बजाए और युद्ध शुरू हो गया। तो अभी युद्ध तो नहीं शुरू हुआ है? क्यों नहीं शुरू हुआ युद्ध? क्योंकि अभी ब्राह्मणों की दुनिया का जो बाहर का परकोटा है किले का वो टूटा है। क्या किला होता है ना, तो उसमें दो परकोटे होते हैं, दो प्राचीरें होती हैं दीवाले। तो बाहर की दीवार टूटी है जो नान सरेंडर से परिवार है वो टूट चुके, लेकिन जो अंदरूनी दीवार है किले की वो अभी नहीं टूटी है। वो अंदरूनी दीवार जो सरेंडर्ड हैंड्स है वो जब निकलेंगे तो ज्ञान का शंख फूंक दिया जाएगा, चारों तरफ आवाज फैल जाएगी। अंदरूनी दीवार तोड़ने के लिए अंदर जाना पड़ेगा ना? आपको किसने मना किया कि हनुमान न बनो? है जूतियों में घुस जाओ। अभी तक डरते रहे क्या? मुरली में बोला है कि मैं तुम बच्चों से बात करता हूँ और ये कृष्णा बीच में ही सुन लेता है, माना बाबा ब्रह्मा सुन लेते हैं। तो ये जो ब्रह्मा बाबा के लिए तो उद्देश्य से बात करते ही नहीं शिव बाबा। हैं? ब्रह्मा बाबा को बात उससे की जाती है जो काम पूरा करके दिखाए, जिसके लिए पता है कि इसमें दम ही नहीं है, ये तो बच्चा बुद्धि है, तो उससे बात क्यों करेंगे? तो बाबा उन्हीं से बात करते हैं ना बाबा, जो जो काम पूरा करके दिखाने वाले हो। काम पूरा माना इसी शरीर में रह के कंचन काया बन के। हाँ जी हाँ जी। तो बाबा मुर्गी में एक और पॉइंट आया कि कुमार का बताओ शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? ये कुमार का से बात हुई ना बाबा? हाँ जी। वो तो कंचन का होती नहीं ना। कुमार का बताओ शिव बाबा को कितने बच्चे हैं? हाँ, तो कुमार का दादी से बात की है ना? कितने की? अम्मा ने की।
ये बप्पा नहीं की, तुम अम्मा को ही बप्पा मान लेते हैं, हैं? लेकिन उसमें तो ये क्लियर करने की कोशिश की है कि दूसरी मूर्ति का भी पार्ट चल रहा है, दूसरी मूर्ति भी है, नहीं अम्मा को मान्यता मत दो, यही बताना चाहते हैं ना? ये सिर्फ एक जनरल बात बताई, जनरल पॉइंट बताया कि शिव बाबा को बड़े से बड़े बच्चे कितने हैं, ये बताया जो पहलौटी के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, एक बच्चा एक बच्ची, बाबा ने आके फाउंडेशन डाल दिया कि नई दुनिया में जो पैदाइश होगी कैसी होगी, एक बच्चा एक बच्ची होगी, तो बड़ा बच्चा कौन? बाबा कुमार का शब्द का अर्थ क्या है? कुमारी, शिव कुमारी, हाँ कुमार का, और जो आया बाबा तो उनका नाम था तो बोला, बाबा ने बताया अभी नए नए बच्चे ज्ञान में आएंगे तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके आर्गन छोटे छोटे होते हैं, धारणा इतनी नहीं होती है, तो नंबर वन बच्चा जो है कृष्ण, ये हद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चे फिर तो नंबर वन बच्चा तो कृष्ण है, वो सतीश की बात बता रहे हैं या संगम की बता रहे हैं? तो पहला पत्ता पैदा होगा कृष्ण बच्चा वो सतीश में होगा या संगम में होगा अभी तो बच्चा, अरे तुम कौन से पहले बच्चे की बात कर रहे हैं? हाँ तो संगम युग में बच्चा कौन है शिव बाप का? अभी भी चंद्र बच्चा बैठा हुआ है बुद्धि है, मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहा है वो लोग नहीं जानते, शास्त्र में जो बात आई है वो त्रेता के राम की बात आई ना, जो त्रेता वाला राम बनने की आत्मा है वो इस समय कौन है? जो बेजवान है वो मर्यादा को जा रहा होगा, और बाप तो विदेशी बनकर के आते हैं, हाँ जी हाँ जी, त्रेता में जाकर के वो राम बनता है। इसको गणपति कहा जाता है, और शिव पुराण में कहा है शंकर को गणपति कहा है, वो तो सबका बाप है ही है, उसको तो बात ही अलग कर दो, नहीं तो किस आधार पे गणेश को गण गण माना, देवता गण, गण माना देवगण, जो भी देवताओं का समूह है उसको गण कहा गया, और उनका पति कहा गया है गणपति, शंकर को कहा गया ना गणपति, वो तो सबका बाप है इसलिए उसको सब, वो तो सब में आ जाता है, मैं हूँ गीता में क्या कहा गया, वृक्षों में श्रेष्ठ मैं हूँ, पक्षियों में श्रेष्ठ मैं हूँ, पहाड़ों में श्रेष्ठ मैं हूँ, वो तो है ही सबका बाप। और बाबा ये विदेशी धर्म के जो बीज है वो युग में आते हैं? हाँ जी विदेशी धर्म जो बीज है हाँ सतयुग में आते हैं, नारायण वंशे सतयुग में आएंगे क्यों नहीं आएंगे, लेकिन पहले आएंगे कि बाद में आएंगे तुम्हें देखा जाएगा, बाकी 9 लाख ऐसे हैं जो सतयुग के आदमी होते हैं। बाबा माँ का भी प्रवेश होता है, दोनों प्रवेश टाइम होते हैं, माँ भी प्रवेश करती है, दादा लेख रहा है ब्रह्मा, हाँ हाँ दोनों प्रवेश होते हैं तो प्रजापिता सारी प्रजा का पिता, हाँ आदि आदि तो आदि पिता था, जब से आदि में जो पिता था आदि उनको भी प्रजा पिता, वो तो शुरुआत में ही था, सबसे पहले ज्ञान का बीज किसने बोया? उसमें तो ब्रह्मा नहीं होता था, उसमें ब्रह्मा माँ की प्रवेशता नहीं होती ना, सिर्फ पिता की प्रवेशता होती, वो खुद ही माँ है, शिव पिता बन गया,
शेर जो है वो पुरुष है और जो शरीरधारी है वो माता है, वो खुद ही माता बन गया और शिव सुप्रीम सोल ने उसमें प्रवेश किया। हाँ जी, और उनके कक्ष में कुर्म है, माना उनके बुद्धि में चमड़ी भरी हुई है। कुर्म माने चमड़ी, कक्ष माने बगल में, उनकी बगल में चमड़ी भरी हुई है, माने उनके अंदर बुद्धि में चमड़ी का ज्ञान भरा हुआ है। उधर कोई बोल रहा था, उसको नंबर लेने दो। दुर्गाचार जो बारहवें प्रिंसिपल से बनते हैं उसको अखंडता को मिलता है। 16,000 जो बारहवें प्रिंसिपल से बनते हैं, 16,000 एक साथ नहीं, नंबर वार 16,000 में बहुत ऐसे भी हैं जो आज से ही प्रिंसिपल से हैं, यानी 16 कुछ तो ऐसे आज से ही प्रिंस मैसेज है, और कुछ ऐसे हैं जो लास्ट में आखिरी जन्म में जाकर के प्रिंस मैसेज संख्या में आते हैं। जो आखिरी प्रिंस मैसेज बनते हैं बाद में, हाँ, वो अटेंडेंस मिलता है ना, थोड़ी समय का 9,00,000 को मिलता है या नहीं? 9,00,000 तो पड़ जाए, उनको कैसे मिलेगा अटेंडेंस नहीं मिलता है ना, 9,00,000 को कैसे मिलेगा? 9,00,000 का पुरुषार्थ किया है, वो सरेंडर होते हैं क्या? प्रजावर की आत्माएं हैं, ना पुरुषार्थ करती है ना बुद्धि से सरेंडर होती है। तो जब तक पूरे सरेंडर ही नहीं हुए हैं, बाप के बने ही नहीं हैं, तो उनको वो अनुभव कैसे होगा जो बाप का बेहद का वर्ष है? तो श्रेष्ठ किनको माना जाएगा? जो 9,00,000 पूरे चौरासी जन्म लेते हैं वो श्रेष्ठ, या फिर ये कम जन्म लेते लेकिन श्रेष्ठ? तो कहा जाता है जो नीचे वाले से ऊपर हो, क्या जो 1,000 भुजाएं हैं, जो विशेष सहयोगी बनती है वो ज्यादा श्रेष्ठ, या जो सिर्फ प्रिंस बने लेकिन पूरे सहयोगी नहीं बने वो ज्यादा श्रेष्ठ? जो ज्यादा सहयोगी बने उन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया, बाकी सब निष्कर्ष हो गए। हीरो 8 और 108 फर्स्ट डिनेस्टी में कौन बनती है? 8 और 108 सतयुग के फर्स्ट डिनेस्टी में कौन बनते हैं? 108 में तो दूसरे दूसरे धर्म के भी है, जो दूसरे दूसरे धर्म के हैं, विधर्मी धर्मों का जिनके ऊपर छिलका चढ़ा हुआ है वो पहली डिनेस्टी में होंगे क्या? कभी चौरासी जन्म नहीं होगा, नहीं उनका 84 जन्म होगा, 108 का होगा 84 जन्म, वो चुने हुए बीज हैं, लेकिन नीची कोटि के राज्य अधिकारी होंगे, ऊंची कोटि के राज्य अधिकारी नहीं होंगे। ऊंची कोटि के राज्य अधिकारी है 12, उसके बाद सेकेंड ग्रेड है चंद्रवंशी, थर्ड ग्रेड है इस्लाम वंशी, शक्ति के आधार पर बंटवारा है। और जो 5-7 रूप का विनाश जो हिंदू उपासना होंगी, हाँ जी, साढ़े ज्यादा हिंदू उपासना होगी, हाँ, उनके ऊपर उनके ऊपर अगर असर पड़ता है तो कुछ न कुछ बरखिलाफी करती होगी श्रीमत की। आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बाकी के ऊपर नंबर वार इफेक्ट पड़ेगा। माउंट आबू बाबा दुनिया का एक एक अणु जहाँ से साइकिल शुरू करता है वही उसको पहुँचना पड़े। बीजरूप, हाँ,
उनके शरीर कहाँ सुरक्षित रहेंगे? वैकुंठ की दुनिया में माउंट आबू होगा ना? माउंट आबू नहीं होगा, माउंट आबू तो शांति धाम है, सुख धाम है। तो वैकुंठ की जो दुनिया होगी, हाँ, जो यमुना के कंठे पर जो राज्य स्थापन होगा वो ऐसा सुरक्षित होगा जहाँ कोई भी प्रकार का प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। तो 5000 साल के साइकिल में वो स्टेडियम होता है, वो पहले ही उन्होंने लगा लिया होगा वो चक्र अपने पुरुषार्थ के आधार पर, वो चक्र उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया। कोई तो स्थान ऐसा होगा 5000 साल के साइकिल में जो एकदम स्टेडियम होता होगा? नहीं, साइकिल जैसे ऐसा कोई, ऐसी कोई अणु नहीं है जिसका कोई साइकिल न होता हो। जैसे ध्रुव तारा फिक्स अपनी जगह पे अंदर होता है, वैसे वो भी अपनी जगह घूम जाता है। सूरज अपनी जगह नहीं घूमता है, सूरज नौ ग्रहों के चक्कर काटता है या सिर्फ अपनी जगह चक्कर काटता है? अपनी जगह चक्कर काटता है। क्या है? हाँ, सिर्फ कहते हैं अपनी जगह घूमता है। अगर अगर चक्कर ही नहीं काटेगा तो फिर चक्रवर्ती राजा कैसे होगा? हाँ जी, और शिव जो है वो सूर्य तत्व है ना, सूर्य तत्व है ना, तो मुरली बोला कि शिव तो सोचता ही नहीं है, संकल्प चलाता ही नहीं है। तो प्रवेश करने के बाद चक्र घुमाने की बात है या बिना प्रवेश किए? लेकिन प्रवेश करने के लिए तो संकल्प लगता है ना, वो कोई संकल्प की बात नहीं है। उनका जब टाइम होता है तो अपने आप आत्मा ही नीचे उतरती है। हर आत्मा परम नाम में कोई संकल्प नहीं चलाती। जैसे कोई बीज होता है और बीज धरनी में बोया जाता है, मौसम नहीं है तो बीज नहीं उगता है, उसका चक्र शुरू नहीं होता है। जब मौसम शुरू होता है तो बीज उगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हर आत्मा का अपना अपना संस्कार भरा हुआ है। जब टाइम होता है तो आत्मा ऊपर से नीचे आ जाती है। टाइम टाइम को कंट्रोल किसने किया? ऐसी भी तो आत्मा है जो टाइम को बदलती है। मतलब ये था सुप्रीम सोल्टी आत्मा है, सोचती ही नहीं। हाँ, मुरली किस तरह चलाती है बिना सोचे? उसके अंदर तो भरा हुआ है ऑलरेडी, उसे सोचने की दरकार नहीं है, उसे सोचने की दरकार नहीं है, असोचता है वो, धड़ाधड़ बोलता चला जाता है बिना सोचे समझे। बताएंगे वो प्रजापिता बोलते प्रजापिता ब्रह्मा की सोल है, मतलब वो इंटरफियर करते हैं। ब्रह्मा इंटरफियर करते हैं? एक के पावन बनने से सब पावन होते हैं। तो जब तक एक का उद्धार नहीं हुआ है तब तक दुनिया में किसी का भी, प्रजापिता का भी उद्धार नहीं हो सकता। बाबा, हाँ, वो पिता परस्त होंगे जो भारतवासी है, वो माता को भी मानते हैं और पिता को भी मानते हैं। विदेशी सिर्फ गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कारण होगा ना कोई। जो प्रकृति है वो भारतवासियों का विनाश करती है या विदेशियों का विनाश करती है? इसे नहीं मानते। हाँ, 4.5 लाख जो सत्यु में 9 लाख आत्माएं होंगी, हाँ जी, उसमें 4.5 लाख को जन्म देने के निमित्त
देने वाले हैं। हाँ, तो 4.5 लाख भी वहाँ पे मौजूद होंगे क्या दूसरा हम देने वाले हैं? हाँ, 4.5 लाख भी मौजूद होंगे और आखिरी विनाश के समय जो जन्म लेने वाले हैं वो भी मौजूद होंगे। बाबा अभी 36 तक ब्राह्मण गए हैं वो पूरी बात उनको तो कह रहे हो, पूरी बात हो गई आपकी? नहीं नहीं, अभी संगम युग चल रहा है तो संगम युग में 4.5 लाख आत्माओं का जो मतलब जन्म देने वाले जो हैं वो संगम युग में पूरे तरह से तैयार हो जाते हैं और जन्म लेने वाले जो हैं वो सतयुग में जब जाते हैं वहाँ पे जन्म लेने जाते हैं तो क्या 4.5 लाख भी वहाँ पे मौजूद होते हैं? जन्म लेने वाले भी मौजूद होंगे और देने वाले भी मौजूद होंगे। मानसिक जन्म होगा ना, ये मानसिक साकार। जैसे अभी पिता के लिए बोला कि प्रजा पिता ने जो बच्चों को जन्म दिया वो मानसिक जन्म दिया है। ये कोई अभी स्थूल शक्ति थोड़ी हो रही है, ये तो मनसा की जो शक्ति बताई है संक्षेत्र से ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, ये तो संकल्पों का फाउंडेशन पड़ रहा है, बाकी ये कोई स्थूल सृष्टि नहीं है। स्थूल सृष्टि तो तब होगी जब पहला पत्ता जन्म ले, वो मतलब उसका जन्म जो है अपना जैसे आज बच्चों का जन्म होता है ऐसे ही जन्म होगा क्या? आजकल ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है, कोई स्थूल जन्म थोड़ा ही है, वहाँ तो स्थूल जन्म होंगे। साधारण बच्चों का जो जन्म होता है वैसे जन्म होगा या कोई अलौकिक जन्म कुछ और तरह से होगा? अलौकिक माने जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने चित्रों में दिखा दिया ऊपर से स्टार आया और नीचे आके प्रिंस बन गया, ऐसे थोड़ा ही होगा। हाँ जी बाबा, जो कहे सागर को शाही बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, तो अगर सागर हो गया बापर तो उन आत्माओं को इस हिसाब से अगर बोले तो उसका बेहद में असर कैसे होगा? कलम है ना, जैसे बोला है ना सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, वो भी भगवान बाप की महिमा लिखी नहीं जा सकती पूरी। महिमा माना ज्ञान। हाँ, तो अगर 3 आत्माओं के लिए बोले तो बेहद में कैसे उसको क्लैरिफाई कर सकते? सागर तो बाप हो गया, माँ हो गई और जंगल हो गया, बच्चे हो गए, जंगल कौन है, जंगल कलम हो गया, जो माना कैसे बेहद में कैसे? अरे पूरी बुद्धि जो चलाई है उसको क्लियरिफाई तो करो, क्या कहना चाहते हैं? ये जो बोला है 3 सागर धरती और कलम, अगर 3 आत्माओं की याद की जाए, 3 आत्माएं कही जाए प्रतिनिधित्व करने वाली, धरती और कलम। धरती तो माँ होगी, धरती थोड़ी ही बताई, जंगल जंगल की जो लकड़ियाँ हैं उनको कलम बनाओ, कलमे बनाते चले जाओ ढेर सारी कलमे। हाँ, और सागर स्याही बना दो। हाँ जी, वो भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। हाँ, टीम के लिए अगर कहे कि 3 आत्माओं की प्रतिनिधित्व करने वाली है, कौन है प्रतिनिधित्व करने वाली? नहीं, जैसे सागर तो बाप हो गया ना। हाँ, धरती को तो माँ कह सकते हैं। हाँ, कलम कौन हो गया? जंगल तो बच्चे हो गए ना। हाँ, तो हमारा महिमा लिखी नहीं जा सकती है ना। हाँ, तो हमारा ऐसे बेहद में इसको कैसे हम बता सकते हैं? माना उदाहरण अपनी जगह पर है। नहीं, ये तो उदाहरण है, लेकिन मतलब बेहद में इसको कैसे होता है, इसके ऊपर लागू होगा कुछ बेहद नहीं। एक बंदरों का भी बेहद होता है। बुद्धि जो है, जब एक उदाहरण दिया गया है उस चीज का उदाहरण यहाँ के लिए दिया गया, तो जो उदाहरण है वो यहाँ की बात हुई ना। तो महिमा किसकी नहीं? उदाहरण जो है बाहर की दुनिया का दिया गया, बाप की। हाँ, बाप की बात बताई गई, बाप की महिमा। ज्ञान का तो स्वयं बाप है ना। सागर तो सागर की महिमा कैसे मान? ज्ञान सागर की महिमा नहीं, ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान जो है वो पूरा नहीं होगा।
भले सागर की तैयारी बना दो। ज्ञान खत्म नहीं होगा। सागर कहता नदी को है, सब ज्ञान है, सब धन है। नदियां कहती है, काय को इतना गर्व करते हैं? और पोखरे क्या कहते हैं? हमने दिया हुआ लोन है, हमने दिया हुआ लोन है, हमने दिया हुआ लोन है। क्यों, उससे पहले नहीं था क्या? नदियां जब सागर में नहीं मिलती है, उससे पहले सागर नहीं होता है क्या? फिर लोन गाएगा तो किसके ऊपर लोन हुआ? नदियों के ऊपर लोन हुआ या सागर ऊपर लोन हुआ? वो सन्यासी लोग कहते हैं कि नदियों में नहाएंगे तो पवित्र बन जाएंगे, इसलिए नदियां पतित पावनी है क्या? हाँ, तो वो क्या लोन देंगी? वो पतित पावनी है कहा जाता है कि जो विदेशी नदियाँ होती हैं, हाँ जी, कोई पवित्र नहीं बनता, कोई नहाता ही नहीं, वहाँ के लोग तो नहाते ही होंगे ना? ना, कोई नहीं नहाता। और बाप विदेशी बनकर के आता है तो जिन बच्चों के साथ में बैठता है वो बच्चे भी तो विदेशी ही हुए। हाँ ठीक है। और ये बच्चे जो है विदेशी हुए थे, विदेशी नदियाँ हो गई थी। चलो उनमें नदियाँ भी हैं, पोखरे भी हैं, झीले भी हैं, नहरें भी हैं, मान लिया। तो इसमें नहाने का तो कोई मतलब नहीं होता। ये कहाँ कहा, यहाँ तो सब कुछ एक को ही सारा से दे दिया गया ना, यहाँ तो बच्चे भी एक को से दे रहे हैं ना, नदियों की तो बात ही नहीं। तो मतलब कहना क्या चाहते हो, मूल बात तो बताओ। कहना ये चाहते हैं कि जैसे बाप विदेशी बनकर के आता है, विदेशी नदियों में नहाने का कोई प्रचलन नहीं है। बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है तो जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, चाहे वो अष्टदेव हो चाहे वो सौ हो, लेकिन वो सारे ही विदेशी हैं या स्वदेशी है? जब बाप विदेशी बन के आया तो बच्चे स्वदेशी होंगे विदेशी होंगे? आखिरी जन्म में आके सब नीचे गिरते हैं कि नहीं? तो विदेशी हुए या स्वदेशी हुए? हर एक के ऊपर कोई न कोई धर्म का छिलका चढ़ा हुआ है। तो बाप विदेशी बन करके आया हुआ है तो बच्चे भी सब विदेशी हो गए, अभी स्वदेशी निकलेंगे। नहीं, बाप के ऊपर सबसे ज्यादा छिलका चढ़ा हुआ होता है, क्योंकि हर धर्म में जाता है। बच्चे जो है वो हर धर्म में जाने वाले नहीं है, उनका अपना अपना ग्रुप है, वहीं जाएंगे। और बाप हर धर्म में जाता है, सबका बाप है। तो ज्यादा पतित कौन हुआ? जिसमें ज्यादा छिलका होगा वो ज्यादा पतित हुआ। इसीलिए बोला है क्या मुरली में कि मैं विदेश पतित तन में आता हूँ? हाँ, बड़े से बड़े काम ही कांटे में आता हूँ, मतलब यही कारण होगा। हाँ, कि सब धर्मों में जाता है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा संघ के रंग में आएगा तो ज्यादा पतित बनेगा या कम बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो बच्चों का संघ कारण तो बाप को लगता ही नहीं है? बच्चों के संघ कारण तो बाप को लगता ही नहीं। बच्चों के संघ का रंग बाप को लगता नहीं, वो प्रजापिता बाप की बात कर रहे हैं या सुप्रीम सोल की बात कर रहे हैं? सुप्रीम सोल तो मौजूद है ना उसमें। वो तो यहाँ संगम युग में मौजूद है, लेकिन नेशनल युग में मौजूद है। संगम युग में संघ के रंग लगने की बात है। हाँ, संगम युग में है तो सुप्रीम सोल मौजूद है, इसलिए संघ का रंग लगने का सवाल होता है। नेशनल सारे नीचे गिरते हैं, भले नीचे गिरते हैं, लेकिन जाति नीचे कौन गिरेगा? जो राजा का बच्चा होता है उसको संघ का रंग लगता है, और प्रजावर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको भी संघ का रंग लगता है। तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? जिसमें ज्यादा ताकत होगी वो ज्यादा पतित ही बनेगा। और आत्माएं तो सभी करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आने तो उसके चाहिए।
जो द्वापर है उसे इस्लाम धर्म में जाकर के गिरेंगे, द्वापर उसके नीचे उतरते हैं और इस्लाम अरब दर अरब खंड में जाकर के जन्म लेते हैं, उनको स्वदेशी कहेंगे कि विदेशी कहेंगे? ये तो बात गलत हो गई कि आत्मा स्वदेशी है। हाँ, आत्म की स्थिति में जो इच्छित होने वाले हैं शुरुआत से ही वो स्वदेशी है। लेकिन यहाँ आत्मिक स्टेज तो अभी सबकी होगी ना लास्ट में। लास्ट में आत्मिक स्टेज बन जाएगी, वो स्वदेशी है 9 लाख की। और कैसे तो बोला बाबा कि आत्मा मतलब स्वदेशी विदेशी होती ही नहीं वो। आत्मा जो आत्मिक स्थिति वाले हैं जिनके 83 जन्म होंगे विदेशी, वो तो विदेशी हो गए ना। और नंबर वार है तो नंबर वार ही कंचन गाया बनेगी। पहले पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का कन्वर्शन हो तब शरीर का कन्वर्शन हो। और 7 दिन का स्कूल विनाश होने से पहले ही कंचन काया हो जाएगी। 7 दिन का जो फाइनल स्कूल विनाश है उससे पहले कंचन काया हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। 7 दिन में भी आखिरी दिन में भी आत्माएं नीचे उतरती रहेंगी और जब तक नीचे उतरती रहेंगी वापस नहीं जा सकते। जब वापस जाना शुरू होंगे तो नीचे आना बंद हो जाएगा। पुरानी दुनिया होते रहते रहते भी कंचन का प्रोसेस चालू हो जाएगी क्या? हाँ, वो मन बुद्धि से जा रहे हैं बाबा। हाँ, दिल्ली में आया था शिव बाबा जो नई चीज देते हैं नई दुनिया स्वर्ग उस चीज का कदर लक्ष्मी करती है, जगदम्बा नहीं करती है। और उसके बाद बाबा ने बोला है बाप यहाँ पढ़ाई पढ़ाता है, जगदम्बा क्या करती है? जगदम्बा राजयोग पढ़ाती है, ऐसा बोला है। हाँ ठीक है बाबा। बाबा ने मुझे बोला राजयोग एक बाप किसी और कोई सिखला नहीं सकता। सहयोगी बनने वाली बात अलग होती है और पढ़ाई पढ़ाने वाली बात अलग होती है। लेकिन बाबा ऐसा ये पूरा फर्स्ट सेंटेंस था कि बाप जो है पढ़ाई पढ़ाता है तो जगदम्बा क्या करती है? वो राजयोग पढ़ाती है। एक को याद करना, एक से संबंध जोड़ना, ये राजयोग है। और अनेकों को याद करना, अनेकों से संबंध जोड़ना, ये प्रजा योग हो गया। माना आज जो है विधि जो राजयोग राजयोग से राजा बनेंगे। हाँ जी, तो राजयोग की जो विधि है जगदम्बा पढ़ाती है कि बाप पढ़ाता है? राजयोग सिवाय बाप के और कोई सिखा ही नहीं सकता। जगदम्बा पढ़ाती है, जगदम्बा सहयोगी है। लेकिन सहयोगी को पढ़ाना कैसे कहेंगे बाबा? वो तो तुम कह रहे हो ना। नहीं, वो तो जो सन्यासी है वो कहते हैं कि नदियां भी है पतित पावनी, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली है। लेकिन पढ़ाई पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। हाँ, एक ही बाप है। मुरली में ऐसा है जगदम्बा भी राजयोग पढ़ा दी है, तो ये जो राजयोग जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा नहीं सकता। हाँ, तो वही बता रहे बाबा कि जो पढ़ा हुआ है वो दूसरों को भी पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है। बाबा जब बोला विश्व की बात से तो जगदम्बा के थ्रू मिलेगा, वो विश्व की बाप का ही मिलने वाली बात अलग है। वो बाप देने वाला है और बीच में निमित्त बनाता है जगदम्बा को, इसलिए निमित्त बनाता है कि कन्याएं माताएं जो है वो प्रेरणी को पालन कराने में सबसे आगे जाती है। इसी प्रकार से राजयोग भी है? नहीं, तो उल्टा पलटा ज्ञान नहीं सुनाना किसी को। पढ़ाना बात अलग और सिखाना सीखना बात अलग। जो 10 धर्म के 10 बीज है, 10 धर्म है,
और उनके दंत 10-20। तो अपनी जो इंद्रिय 10 है अगर कनेक्शन लगाए तो नास्तिक धर्म की इंद्रिय कौन है? नास्तिक धर्म वाली जो आत्मा है वो कोई पद नहीं पाती। जो पद नहीं पाती है वो कर्मेंद्रिय सब से नीचे दिखाई जाती है। हाँ जी, और काम जीते जगत जीत रहा है तो क्या इस्लाम को जीतने से जगत जीत होंगे? पहले कौन मरेंगे? बाबा 40,000 लोगों की जो कंजन का है होगी वो बाहर का बाहर की दुनिया का एक भी आदमी नहीं देख सकेगा। ऑफिस कोई एकदम एक सेकंड में हो जाएगा क्या? एक का भी कंचन काया हुई कोई भारतीय दुनिया वाला देख सके? जिसकी कंचन काया 100% बन गई, निरोगी काया बन गई, वो इस पुरानी दुनिया से डिटैच हो जाएगा या अटैच होकर के रहेगा? लेकिन कोई देख सकेगा क्या? जब डिटैच हो गया तो देखेगा कैसे? दूसरा कोई देखेगा? कोई दूसरा नहीं। जो डिटैच हुए हैं वही देखेंगे, वो अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। हाँ जी, बोलने का मतलब था बाबा कि वो एक्चुअल उस स्वर्ग में होगा या संगम भी स्वर्ग में होगा? संगम भी स्वर्ग में ही होगा लेकिन बाहर की दुनिया से डिटैच होगा। बाहर की दुनिया वाले भी रमण देख नहीं पाएंगे? नहीं नहीं, ज्ञान नहीं रमण करते रहे वो एक और बेहद की बात। हाँ जी जैसे भगवान जो है बाबा को कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ में क्या फर्क है? फर्क बताओ पहले। माने शिव शंकर भोलेनाथ साकार में नहीं, वो भी है ये भी है। बाबा मनजीत और जगत जी बोला बाबा ने, मनजीत वो जय जगत जी बोला है और मायाजीत जगत जी बोला है और कामजीत जगत जी बोला, तो तीनों की कॉम्बिनेशन कैसा है? वो माया बुद्धि को भरमाती है, बुद्धि को घुमा देती है और इंद्रिय जो है वो शरीर का पतन कराती है और मन जो है वो इंद्रियों का पतन करा देता है। मन हुआ ब्रह्मा। हाँ गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य, जो देवियों को डुबाने के पीछे रहस्य है वही गणेश को डुबाने के पीछे रहस्य है। अभी तो बताया कि गणपति जो गणपति है देवताओं का पति, वो गणपति वास्तव में गणेश है, शंकर जी का बेटा जिसे कहा जाता है, या शंकर जी खुद है गणपति? वास्तव में गणपति कौन है? सब देवताओं का, सब देवताओं का देव देव महादेव कौन है? एक ही है ना, तो इसलिए दिखाया गया है कि वो डूबी जा उनकी हो जाए तब जो असली है वो प्रत्यक्ष होगा। जो भी और देवताएं हैं चाहे वो गणपति हो या कोई भी देवताएं हो या देवियां हो, उनकी जब तक पोल पट्टी न खुले तब तक उनकी डूबी जा नहीं हो सकती, और जब उनकी पोल पट्टी खुल जाती है तो एक ही आकर के पोल पट्टी खोलता है। सच्चाई एक ही है, वो सत्य खुद आकर के बताता है कि एक सत्य है और बाकी सब असत्य है। धरती पर जब धरती पर 3 भाग पानी और 1 भाग गर्मी दिखाई गई है जहाँ मनुष्यों की बस्ती बसी हुई है, इसी भुला हुआ है कि शुरुआत में जब जम्मू भी होता है तो इसका बेहद मतलब क्या होगा? सारा सागर ही सागर, हाँ, और धरती बहुत
थोड़ी होती है। धरती कन्या है, माता है या पुरुष है? कन्या माता है। कन्या माता जो माता है होती है, जब तक जितनी ज्यादा प्योरिटी है तो उनका छोटा रूप होता है या बड़ा रूप होता है? छोटा रूप होता है। और जितना जितना उसका बदन बढ़ता जाता है तो रूप बढ़ता जाता है। लेकिन बाबा एक भाग क्यों बताया? तीन भाग पानी और एक भाग धरती बताया। हाँ, एक भाग ऐसा क्यों कर दिया? मतलब चार भाग क्यों डिवाइड कर दिया? क्योंकि सागर सात है, सात भागों में सागर को डिवाइड किया है। अच्छा, शुरू में जब जमीन भी होता है और बाकी तो पानी 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 होता है बताया हुआ है। शुरुआत में बोला कि जम्मू भी बचता है। हाँ जी, बाकी तो पानी पानी होता है। माना जब नौ लाख या कद्दू की जो शुरुआत होगी हाँ। तो मतलब जम्मू की करिए या उत्तराखंड करिए, थोड़े थोड़े मतलब प्रांत में अपना रहेगी, बाकी समय तो जल ही जल रहेगा। तो बाकी जो बस्ती जो विदेशियों की और धर्म की आत्माएं जो निकलती आती है तो उनके लिए जो भूखंड ऊपर आता जाता है उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी जो धरनी मिलती जाती है बाकी धर्म वालों को, उसका बेहद में मतलब क्या है? उनकी धरनी पक्का क्या नहीं होगी? तो जैसे जैसे फिर वो आत्माएं आती उनकी धरनी पत्थर होती जाती है। जो आत्माएं आएंगी तो उनके लिए धरनी पत्थर छोड़नी चाहिए या नहीं? उनका आधार नहीं मिलना चाहिए? तो आधार क्यों मिलता है? एक के नव में लीन होते हैं, तो जैसे युगल मूर्ति की एग्जाम्पल दिया है उदाहरण, जैसे उनको पता नहीं पड़ता है बाहर क्या हो रहा है, ढोल बज रहा है या पटाखे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं या पटाखे बज रहे हैं, उसको पता नहीं पड़ता है क्या? एक के नव में लीन हो जाता है। बंदू का उदाहरण दिया था मैंने, तो वो आधुनिक स्टेज में अगर कहीं भी आत्मा होगी वैसे स्टेज में रहेगी तो फिर उसके लिए बचपन तो उधर ही होगा ना। जो एक के लव में लीन होगा उसके ऊपर दूसरे का असर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है कि एक के लव में लीन नहीं है। बना के लिए देखना न देखना बराबर होगा ना? हाँ, उसके ऊपर किसी का प्रभाव ही नहीं है। क्या बाहर वाले देखेंगे बाहर वाले माने बाहर की दुनिया वाले, जिन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं है, जिन्होंने राजयोग सीखा ही नहीं है, उन्हीं की बात बताइए। हंस और बगुले इकट्ठे नहीं रह सकते, ये बात अभी के लिए है या आज के लिए? माना इकट्ठे रह न सके माने अंत में ऐसी स्टेज आ जाएगी कि हंसों के ग्रुप में ही रहना पड़ेगा, जो ज्ञान रतन चुगने वाले हैं, जो ज्ञान रतन चुगना पसंद नहीं करते उनके साथ हम रह नहीं सकेंगे। वातावरण हमको रहने ही नहीं देंगे। वातावरण अभी भी बना हुआ है ना। अभी अगर 100% ऐसा वातावरण बना होता तो बाप के साथ भाग जाते। रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना मुश्किल है बोला है, तो रचयिता तो सार हो गया, सार में सारा माना बीज हो गया, बीज में तो सारा झाड़ आ जाता है, उसी रचयिता को बोला है तो सारा झाड़ आ गया, विस्तार आ गया ना, तो विस्तार तो रचना हो गई, तो उसी रचयिता की बोला कि रचयिता को जानना सहज है और रचना को जानना। पहली रचना कौन है? जगदम्बा। जगदम्बा जो है, और जो जगदम्बा को रचने वाला है रचयिता, तो उनमें निश्चयती किसने होती है? जिसमें निश्चयती होगी उसको जानना सहज है, या जिसमें निश्चयती है नहीं उसको जानना सहज है? बाबा एक वाक्य आया कि शंकर जी भिक्षा मांगने जाते हैं तो अन्नपूर्णा उसको भरपूर करती है। हाँ जी, अन्नपूर्णा पहले पहले कौन सरेंडर हुआ? अन्नपूर्णा नहीं है। अन्न माने अनाज, अनाज माने
खुराक, खुराक माने योग की खुराक, योग माने स्पीति इसलिए है नंबर वन योग की खुराक। हाँ जी भगवान, लेकिन अगर पूर्ति हो गई तो छोटी माँ के लिए आज क्यों रुक गया पूर्ति अगर हो गई? एक होता है बाहर से पूर्ति करना तो असली अन्न, और एक होता है अंदर से पूर्ति करना असली अन्न। इसलिए असली असली गीता कौन हुई? शिव की गीता से एक सेकंड में स्वर्ग, और कृष्ण की गीता से ढाई हजार वर्ष में दुनिया नरक, 5000 में तुम्हें कह दो। अच्छा बाबा, भरत के लिए कहा है कि भरपूर करने वाला, भरत पोषण करने वाला, तो अन्नपूर्णा देवी भी भरण पोषण, भरत के लिए भी बाबा ने कहा है जिसने भरण पोषण किया। हाँ तो अन्नपूर्णा का भरण, अन्नपूर्णा ने भरण पोषण किया। भरण पोषण शरीर का होता है या आत्मा का होता है? किसने किसका भरण पोषण किया? अरे साथ देना बाबा, सहयोग करना। नहीं नहीं, अन्नपूर्णा ने कौन सा भरण पोषण किया और भरत ने कौन सा भरण पोषण किया? भरत ने स्थूल किया होगा। हाँ तो जिसने स्थूल किया उसको सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है कि कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है और वो उसको दे रहा है। अन्नपूर्णा देवी योगिनी बोला योगेश्वर के साथ, उनको नहीं कहेंगे जो योगिनी का है योगेश्वर के साथ, उनको अन्नपूर्णा नहीं दे सकते? एक होता है अल्पकाल के लिए समय पड़ने पर पूर्ति करना, और एक होता है आज से अंत तक पूर्ति करना और सहयोगी बनना। उन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा? संपूर्ण योगी कौन हुआ? जो आज से अंत तक योगी बनकर के रहे, तो वो सूर्यवंश में होगा या चंद्र में, चंद्रवंश में होगा? सूर्यवंश में होगा। थोड़ा एक सेकंड का फिक्र होगा, जो माताएं हैं मतलब केवल बाबा बाबा जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनको इंट्यूशन होगा बाबा का कि भागो होगा उनको, उन माताओं को और ज्यादा होना चाहिए, मतलब बुद्धि तो ना बाबा के साथ रहती है लेकिन पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ तन के द्वारा धन के द्वारा पर घर परिवार में रही पड़ी है। हाँ ये किसने कहा कि नहीं होगा? आपको होगा होगा और एक सदियों में मतलब दीवारें नहीं है, महल नहीं है, तो फिर राजगति में कहाँ बैठेंगे? सचिव में अनुशासन की जरूरत है, है। वहाँ कोई अनुशासनहीन होता है? जब कोई अनुशासनहीन ही नहीं है तो गद्दी की और ताज की दरकार है? बाबा वहाँ जाते ही रहेंगे सारा। जब आदमी थकान होती है तो सोने की दरकार होती है, आराम करने की दरकार होती है, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए। जहाँ थकान होगी ही नहीं, अभी भी बाबा ने बोल दिया है योगियों की 4 घंटे की नींद काफी है, तो जब यहाँ ही 4 घंटे में हम अपनी पूर्ति कर सकते हैं तो देवताएं कितने आगे होंगे? अभी तो याद की स्टेज ही नहीं है ना के बराबर। जब संपूर्ण आत्मिक स्टेज बनेगी तो शरीर की थकान की बात खत्म हो जाएगी। बोला आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते चले जाओ, बाप की याद में दौड़ते चले जाएंगे तो थकान नहीं होगी। तो वहां सोने की दरकार होगी? बस गीता में झपकी लेते होंगे, झपकी लेते होंगे, झपकी लेते ही सब है। जब शक्ति नीचे क्षीण होना शुरू होती है तो सत्युग में चार कला कम होती है ना बाबा?
सतयुग में चार कला कम होती है। सतयुग में थोड़े ही, त्रेता में कहो ना, चार में दो, नौ कलाएं, दो कलाएं जो त्रेता में कम होती हैं, या आठ कलाएं त्रेता के अंत तक जो कम हो जाती हैं, उनको ये नहीं कहेंगे स्थूल इंद्रियों या कर्मेंद्रियों से क्षरण हुआ। क्या कर्मेंद्रियां क्षरित नहीं होती, वो ज्ञान इंद्रियों का क्षरण होता है। इसलिए उतना ज्यादा पतन नहीं होता है, द्वैतवाद द्वापर से शुरू होता है। बाबा अभी जो पीछे वाले ना जीके रमा कुमारी वाले ना मुरली के पॉइंट किताब में नहीं डालते, भक्ति मार्ग की किताब पॉइंट डालने लगे। तो वो क्या कह रहे थे कि जो एडवांस के लोग है ना अपना ये मुरली के पॉइंट चुनाकर यहाँ से लेके जाते हैं। अभी वो नई नई किताबें देवताओं के फोटो डालने लगे, देवताओं के देवियों के फोटो डालने, तो ऐसे करने लगे। तो भक्ति कहाँ से आती है, रावण से आती है या राम से आती है? तो जो रावण संप्रदाय के आधार मुक्त होंगे, जो बीज रूप होंगे, वो अपना भक्ति मार्ग का टंटा घंटा फाउंडेशन कब डालेंगे? वो सोचते हैं कि ऐसे करेंगे तो आडवाज में जाएंगे, जो आने का तो आएंगे। तो वो रामदेव तो फिर भी अच्छे हैं, और जो तांत्रिक लोग भूत पोतों की पूजा करने वाले उनको गुरु बन करके बैठे हैं, वो तो बहुत ही बेकार बात हो गई। रामदेव का भी समर्थन ज्यादा ही मिल रहा है पूरी दुनिया में। हाँ जी बाबा, रामदेव का ज्यादा समर्थन मिल रहा है वहाँ, भक्ति मार्ग का रामदेव है। बाबा वो देह की प्रक्रियाएं सिखाता होगा, तो ज्ञान मार्ग का भी रामदेव होगा। ब्लड प्रेशर वगैरह बाबा जो उसका शरीर की जो कठिन कठिन बीमारियाँ जो है वो भी उनकी राजयोग मतलब उसके योग से जो है काफी, वो बीमारियाँ सदा काल के लिए खत्म हो जाती हैं या अल्पकाल के लिए खत्म होती है? जब तक उसका सीखेंगे उसके इसमें रहेगी तब तक खत्म रहेगी, और उसके बाद छोड़ दिया तो ठीक हो जाएगी। कोई भी नई आत्मा ऊपर से आती है तो करिश्मा दिखाती है, पावर होती है उसमें। थोड़े समय तक ये करिश्मा चलता है और बाद में ठंडा हो जाता है। बाबा ने मुरली में बोला देवताओं के अंगों का पूजा होता है, जैसे कमल नयन, कमल हस्त, तो कमल के साथ कंपेयर करके करते हैं कमल की प्योरिटी के हिसाब से। बाबा ने बोला शिव बाबा का तो लिंग का पूजा होता है लेकिन इसका कमल के साथ कंपैरिजन नहीं होता, वो क्यों नहीं होता बाबा? कमल तो कीचड़ में रहकर पवित्र रहता है ना, वही आज कीचड़ी दुनिया में रहकर निराकार स्टेज को धारण करना ये ऊंची बात है, तो फिर वो कमल के साथ क्यों नहीं उसका कंपैरिजन होता? वो जो है वो इस सृष्टि पर आता है, पति से पति तन में आता है, जिस पति तन में आता है वो कीचड़ है क्या है? हा? वो क्या है? कीचड़ है, कीचड़ है ना, रोगों से भरा हुआ है ना। निरोगी है या रोगी है? रोगी है, तो जिस रोगी तन में आता है उसकी यादगार है शिवलिंग। जो लिंग बना हुआ है वो काई की यादगार है, प्रजापिता के शरीर की रक्त की यादगार है ना, तो कीचड़ को कीचड़ में क्या रखेंगे? जैसे जैसे संगम युग का टाइम व्यतीत होता जाता है, टू लेट का बोर्ड लगने का टाइम आता जाता है, वैसे वैसे एक एक सेकंड की वैल्यू बढ़ती जाती है।
सारे चार पाँच दिन की बात है। हाँ जी, बच्चों को जन्म देंगे तो अपने पार्ट को पहले जान लें, उनके प्रवेश करने के बाद जानेंगे। कितने प्रवेश करने के बाद जाने साढ़े चार लाख जी हम आत्माएं हैं। हाँ, बच्चों को जन्म दे देंगे। हाँ, वो हमारे अंदर जब प्रवेश करेंगे तब उनको हमारा पाठ पता चलेगा। या उसके पहले उनके जो जन्म लेने वाले प्रवेश करेंगे उनकी बात। हाँ, वो तो इंस्पिरेटिंग पार्टी है। वो इंस्पिरेटिंग पार्टी जब तक प्रवेश न करे तो इंस्पायर कर ही नहीं सकती। वो आत्माएं देव आत्माएं हैं, उनमें प्योरिटी की पावर जागती है और हमारे में इतनी प्योरिटी की पावर नहीं है। हम ज्यादा पतित बने या चंद्रवंशी ज्यादा पतित बने? चंद्रवंशी ज्यादा पतित नहीं बने, सूर्यवंशी ज्यादा पतित बने। इसलिए उनमें वो आत्माएं जब प्रवेश करती हैं तो उनकी बुद्धि को इंस्पायर करती है। हो सकता है कि बेसिक नॉलेज लेने वाले जो हों, जब बेसिक नॉलेज लेते हों तो उसमें वो बेसिक ज्ञान जानने वाली आत्माएं प्रवेश करके उनको बेसिक नॉलेज लेने के निमित्त बना देती हों। बाकी एडवांस ज्ञान तो उनमें होता ही नहीं, लेकिन गुरु रह गए और चेले चक्कर हो गए, तो हिसाब हो जाता है। वो जो इंस्पायर करने वाली आत्माएं हैं वो एडवांस ज्ञान की तह तक नहीं पहुंच पाती, और जिनमें प्रवेश होता है वो उस स्टेज तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बीज रूप स्टेज वाली आत्मा है। उनकी बीज रूप स्टेज सहज बन जाती है। बाबा सवा दो लाख विजय माला के और सवा दो लाख रुद्र माला के बन गया। हाँ जी, तो जो प्रवेश करने वाली विजय माला में जो इंस्पायर करने वाली जो होगी, बच्चे जो प्रवेश करेंगे वो कौन से होंगे, और रुद्र माला में जो प्रवेश करेंगे वो कौन से रहेंगे इंस्पायर करेंगे? जिनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी और जिनमें प्योरिटी की पावर कम होगी, जो पुरुष वृत्ति के बड़के हैं उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होगी, या जो स्त्री वृत्ति के बड़के हैं उनमें ज्यादा होगी? उनमें जाती होगी तो अंतर पड़ जाएगा। जैसे हरा कलर बाबा ने विषय विकरण कहा है, और जो सतयुग में धरती दिखाई हरी, और जो महल दिखाई सोने की कलर की दिखाई, सिल्वर कलर गोल्डन कलर, तो जो हरा कलर है इस्लामी कलर है, विशेली कलर, सतयुग में वो इस्लाम धर्म के हाथ में मेजोरिटी होंगी मर्ज रूप में। पांडवों के साथ कुत्ता जाता है कि नहीं? एक कुत्ता जाता है। अरे एक का तो मिसाल दिया जाता है, एक ही अर्जुन था क्या? एक ही भीम होता है क्या? पूरी धरती एक ही द्रौपदी होती है क्या? वो ग्रुप होता है उनका पूरा का पूरा। हाँ जी, मतलब एक ही के साथ एक ही जाते हैं। हाँ जी बाबा, बाल वाले नारा है बाबा। हाँ, हाथ उठा के बोलो ना। हाँ हाँ, बाल वाले साथ नारा है अतेंद्र सुख तो बातें है क्या? नारायण बाद वाले साथ नारायण, नारायण अतेंद्र सुख पावेंगे बातें है क्या? पूछ रहे वो पूरा ज्ञान समझते हैं क्या? उनके बच्चे जो प्रिंस पढ़ते हैं। हाँ, वो तो राजा के बीच में आते हैं। हाँ, तो वो तो पाते हैं ना। हैं? तो राजा के बीच में आने वाले अतेंद्र सुख पाते हैं। तो नारायण उनको जन्म देते हैं, नारायण के बच्चे बनते हैं। वो प्रवेश करते हैं कि नहीं बीज रूप आत्मा में? नारायण, नारायण बने जन्म लेने वाले बच्चे प्रवेश करके पाठ बजाते हैं या नहीं? बजाते हैं ना, तो प्रवेश करने वाली आत्मा अनुभव नहीं करेगी? तो वो जिनमें जन्म लेंगे है नारायण ही तो जन्म देंगे। हाँ हाँ, जो नारायण जन्म देने वाले वो इस समय मौजूद है या नहीं है? जो मौजूद है इस समय वो प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे? बजा रहे। तो वो अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। खत्म बस।
एक मुरली ने बोला है कि शिव धोबी है और शंकर हजाम है, ठीक है। लेकिन एक मुरली ने बोला है कि जो बाप को नहीं जानते वो हजाम है। हजाम के बच्चे क्या होंगे? बाप को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते वो हजाम है। हाँ, जो बाप के बच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं वो हजाम है। अब शिव प्रवेश करता है हजाम में, सबकी हजामत कर देते। तिरुपति में जाते हैं तो क्या करके आते हैं? हजामत करके आते हैं नहीं? परंतु वो स्वयं ही बाप है ना बाबा। हाँ, वो स्वयं ही बाप का पार्ट है। एक आत्माओं का बाप है और एक देहधारियों का बाप है, अंतर नहीं है? उसके आगे सारी दुनिया झुकती है बाबा। झुकेगी तो पूजा तो तब करेगी जब संपन्न बन जाए, कि पहले ही संपन्न बन जाए। अभी क्यों नहीं झुक जाती सारी दुनिया? झुक तो रहे, नंबरवार झुक तो रहे हैं, नंबरवार झुक तो रहे हैं, और सामने आगे झुक जाते हैं और पीछे से अजब उनके हजामत नहीं करने वाला होता है। हजाम होगा वो हजामत नहीं करेगा, हजाम होगा तो हल्का करेगा ना, तो हल्के हो जाएंगे या भारी हो जाएंगे? हाँ, लेकिन और दुनिया में ना हजाम को मतलब ये बोलते हैं, मतलब अकल ने क्या हजाम है क्या, ऐसा मतलब नहीं बोलते, इतना भी समझते नहीं कि तो हद के हजाम और बेहद के हजाम में अंतर होगा कि नहीं? हद का बासरमैन और बेहद का बासरमैन, सुबह हो गए थे मैं बासरमैन धोबी बन करके आता हूँ, तो तुम जो बेहद का धोबी है उसको हद के धोबी मिला दोगे? नहीं, कंपेयर तो मतलब कंपेरिजन करो, लेकिन हद और बेहद का भी ध्यान रखो ना। चंद्रवंशी 12 बोले हैं, चंद्रवंशी 12 पहले दो है, सूर्यवंशी 12 और चंद्रवंशी 12। हाँ जी, सबसे पहले हम कहेंगे सूर्यवंशी। क्या? सूर्यवंशी जो है 12 है और चंद्रवंशी 12। हाँ जी, ये पहला ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप क्यों हो गया, दो ग्रुप हो गए ऐसा सुनो। उनको सूर्यवंशी जो भी होंगे वो चंद्रवंशी को सूर्यवंशी कहेंगे, दोनों मिलेंगे ना तो। हाँ, तब तो सूर्यवंशी कहेंगे उनको। हाँ, जब वो तो जो सातों आठों धर्म है जब मिलकर के एक हो जाएंगे, उसकी मत में मिल जाएंगे तो सारी सूर्यवंशी हो जाएंगे। ये क्या बड़ी बात हुई? जब एक की मत में सब मिल जाएंगे तब सूर्यवंशी होंगे या बिना मिले ही हो जाएंगे? बिना मिले ही सब कहेंगे सूर्यवंशी कहेंगे, अभी तो नहीं है, यानी भविष्य की बात बताई ना। 12 सूर्यवंशी असल, 12 है सूर्यवंशी असल और बाकी सब है नकल। हाँ, कहेंगे का मतलब ये भविष्य के लिए बताया। जो भी 9 लाख होंगे वो सारे ही कहेंगे क्या? कहेंगे हाँ जी, लेकिन उनका प्रैक्टिकल एक्ट भी होना चाहिए ना बाबा। वैसे सिर्फ कहेंगे या ऐसे की बात कहने से कोई मानेगा नहीं, उनका एक्ट भी वैसा होना चाहिए। तभी तो दुनिया पूजेगी 9 लाख सितारों को। होगी 9 लाख सितारे ऐसे संसार में चमक मारेंगे। हाँ जी बाबा, जो सतयुग में जो संगम में जो भी पद मिलेगा, देवताओं को पद मिलेगा, तो पद मिलेगा उसके बाद कंचन गायनी हुई होंगे ना, कि पद उसके पहले मिलेगा? पद पूजा जाता है कि बिना कुर्सी के पूजा होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो फिर जब विश्व के मालिक जब बाप के साथ हम बच्चे बनते हैं तो सारी दुनिया देखनी चाहिए ना उनको।
देखनी चाहिए का तीसरे नेत्र से नहीं देखा जाता है इससे बाहर की दुनिया लोग जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने या इंदिरा गांधी बनी तो इन आंखों से सबने देखा या तीसरे नेत्र से भी देखा है? इन आंखों से सबने देखा क्या? लेकिन मान तो लिया ना, तो ऐसे ही जो विश्व का मालिक होगा उसको सारी दुनिया मानेगी, भले इन आंखों से देखे या न देखे। चंद्रग्रहण अभी 2-3 दिन पहले हो गया और अभी सूर्य ग्रहण 22 तारीख को वापस है, जैसे 15 दिन में दोनों ग्रहण आ सकते हैं। चंद्रग्रहण जो है उसका कनेक्शन पूर्णमासी से है और जो सूर्य ग्रहण है उसका कनेक्शन अमावस्या से है। लेकिन इतना नजदीक के करीब 15 दिन 15 दिन का तो अंतर होता है पूर्णमासी और अमावस्या में, नहीं रहता ना पंद्रह दिन से कम नहीं हो सकता क्या? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में 15 दिन से कम का अंतर नहीं हो सकता, बाकी 15 दिन का अंतर हो सकता है। सूर्य का टुकड़ा भी लगता ही है। वो बात अलग पूछ रहे हैं, सूर्य का ग्रहण नहीं लगता है वो बात सही है, चंद्रमा का ही ग्रहण लगता है। जो यहाँ की यादगार है जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करके पाठ बजाए रहा है उसके ऊपर जो अज्ञानता का ग्रहण अंधेरा छाया हुआ है वो अंधेरा जब हट जाएगा तो सारी दुनिया में से अंधेरा हटेगा। तो दे दान काहे का दान, रुपए पैसे का योगदान, प्रकृति को प्यार से चेंज किया जा सकता है, वो भी विविचारी प्यार न हो, अविविचारी प्यार, स्नेह माना योग। योगदान जो है अगर उस आत्मा को मिलेगा तो उसके ऊपर जो ग्रहण है वो छूट जाएगा, नहीं तो प्रकृति तमोप्रधान बनती रहेगी और जितनी जाति तमोप्रधान बनेगी उतना ज्यादा विनाश करेगी। बाबा नहाए के नेकी कर और दरिया में डाल। हाँ जी, तो नेकी कर माना पूर्व में की आत्मा निराकर स्टेज में प्राप्त होगी। नेकी करवाना जो भी दूसरों की सेवा की है वो सेवा ईश्वर को सागर को अर्पण कर दो, दरिया माने सागर। क्या? जो सेवा की है उस सेवा का प्रतिफल अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए कि ये पदमान मर्तबा हमको देगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा या इससे हम सेवा लेने लगेंगे, हमारा सेंटर बनाए देगा। नेकी कर और दरिया में डाल।